हाय फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस फोरम पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फर्स्ट फेज सॉरी 1885 से 1915 तक का और इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था फोर्टी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन तक आज हम देखेंगे फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन से साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करें वहाँ पर मैंने जोग्राफी का काफी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल यू पी फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो शेयर किए जाते, जाते हैं आर्टिकल्स को शेयर किया जाता है तो बिल्कुल उनको जाके देखें अगर आपके पास टाइम कम बचता है पेपर्स को पढ़ने के लिए तो स्टार्ट करते हैं फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है चापिकर ब्रदर इस्टिश द तो अभिनव भारत सोसाइटी एटीन नाइनटी सेवन द चॉपिकर ब्रदर एसोसिएटेड टू अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स एट पूना हमें बता नहीं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो पहले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो चापिकर ब्रदर्स के द्वारा नहीं इस्टैब्लिश की जाती है ठीक है तो पहला हमारा ऑप्शन जो हो जाता है वो रॉन्ग है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है एटीन नाइनटी सीन में चापेकर ब्रद एसनेट करते हैं अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसियल्स को पूना में बिल्कुल करेक्ट बात है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण बालकृष्णा चापेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं एससनेट करते हैं किसको ब्रिटिशर्स को एक ब्रिटिश ऑफिसियल रहते हैं डब्लू सी रेंट और

तो संध्या गांधर जो है वो तीनों ही रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट से बिलोंग करते जो है वो बिलीव करते थे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर ठीक है इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा नाइनटीन जीरो में फाइट करने के लिए रेसियल डिस्क्रिमिनेशन और सिविल राइट को कहां पे साउथ अफ्रीका के कम्युनिटी के लिए ये आपको ध्यान में रखेंगे साउथ अफ्रीका से गांधी जी रिटर्न हुए थे नाइनटीन फिफ्टीन नाइन्थ ऑफ जनवरी को और इसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस को भी मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस हर दो साल पे मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है जबकि संध्या युगान्तर अवकाल जो थे वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हुआ करते थे जो प्रोपोगेट करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो विन करते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिया

तो बी इसलिए बी हमारा इसलिए गलत हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा कैरे करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कहाँ पे लंदन में बिल्कुल करेक्ट बात है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो है 1908 का वो एसोसिएटेड है अभी हमने जस्ट देखा प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा 1908 का जिसमें वो किंग स्पोर्ट के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर लेकिन वहां पर होती है दो ओमिन और वो उनका डेथ हो जाता है प्रफुल्ला चाकी जो है वो खुद को मार लेते हैं और खुद राम बोस को हैंग कर दिया जाता है फांसी दे दिया जाता है फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देख लेते अनुशीलन समिति वो अनुशीलन समिति क्या था डेडिकेटेड टू तो अप्रीटमेंट ऑफ ओमेन उडूर, और इन लेवर और तो में, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होता था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर था हुआ था ये 1907 में कैलकटा में और लीडरशिप मित्रा तो कौन थे लीडर परम नाथ मित्र जो थे वो इसके लीडर थे 1907 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है बारिंद्र कुमार घोष और उनके जो भाई हैं अरविंदो घोष वो एसोसिएटेड होते हैं किससे अनुशीलन समिति से तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर फिफ्टी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट दो इनगेस्ट इन द एक्टिविटीज यूजिंग द कोर्ट गिवेन बिलो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा तो इनमें से कौन जो थे वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्चुअली इंगेज थे तो वो थे अभिनव भारत और दूसरा अनुशीलन समिति अभिनव भारत जो है वो स्टैब्लिश किया गया था एज ए सीक्रेट सोसाइटी के रूप में और ये स्टैब्लिश करने वाले थे विनायक दामोदर और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर नाइनटीन जीरो फाइव फोर में और इसीलिए कहा सावरकर ब्रदर ने उनको स्टैब्लिश किया था अभिनव भारत सोसाइटी को अनुशीलन समिति

यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है द हेड क्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट वॉज इन लाहौर अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मड इन द काबुल हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है तो पहला जो है हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग है क्योंकि गदर जो मोमेंट था उसके जो तो राजधानी थे मतलब जो उसका हेड क्वार्टर था क्वार्टर था एक्चुअली सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में था ठीक है कैलिफोर्निया के सिंस फ्रांस सेंट फ्रांसिस्को में था इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वो रॉन्ग हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा और प्रोफेजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मड इन काबुल ये बिल्कुल करेक्ट बात है इसलिए हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा हमारा राइट right आंसर ठीक है हेड क्वार्टर कहाँ था सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया के सेंस फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेड क्वार्टर होता है 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी गदर पार्टी के लीडर कौन हुआ करते थे ये हमें बताना है लाला हरदयाल बरक्तुला रेडिशवरकर फिरोजशाह मेहता तो लाला हरदयाल जो होते हैं वो कौन होते हैं गदर पार्टी के लीडर होते हैं और 1913 में वो सोहन सिंह भा, भाकना के के साथ मिलके एस्टेब्लिश करते हैं गदर पार्टी को

मोमेंट वॉज स्टार्ट इन नाइनटीन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट उन्नीस सौ बारह में रेवोल्यूशनरी जो होते हैं वो बॉम्ब फेंकते हैं वर्ष हार्डिंग्स के ऊपर बिल्कुल करेक्ट बात है लेकिन वर्ष जो हार्डिंग्स होते हैं वो उनका जो डेथ होता है वो एसोसिनेशन नहीं होता है गदर मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में बिल्कुल करेक्ट बात है वन और थ्री जो है हमारा राइट आंसर है सेकेंड जो है वो हमारा रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट right आंसर उन्नीस सौ बारह में रेवोल्यूशन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स को ऊपर बॉम्ब फेंक उनको मारने की कोशिश करते हैं गदर मूवमेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल के द्वारा मिलकर सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के सेंट फ्रांसिस्को को नाइनटीन थर्टीन में ठीक है फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इन ईयर हिंदू महासभा हिंदू महासभा का कब होता है तो ये होता है नाइनटीन फिफ्टीन में और ये इस्टेब्लिश करने वाले कौन होते हैं मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये स्टेब्लिश होता है नाइनटीन फिफ्टीन में है और इसका मेन एम क्या होता है टू प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया तो मुस्लिम लीग तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद हिंदी कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1915 में हिंदू महासभा का स्टेब्लिशमेंट होता है अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को और पहला क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1906 तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फाउंड की जाती है 1906 में ये हमें बताना है भारत सभा मुस्लिम लीग बंगाल

मोहम्मद अली ज्हा जो थे वो इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नहीं है ये इस्टेबलिश हुआ था किसके किस से मिलके आगा खां नवाब सलीमुल्लह मोहसिन मुमल्क और हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक क्योंकि मोहम्मद अली जना जो थे वो इनमें से नहीं थे मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट करता है किसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को वो सपोर्ट करता है और डिमांड करता है स्पेशल सेफ्ट गार्ड्स के लिए मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम के स्पेशल सेफ्ट गार्ड के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज़ में और इसी उनके इसके लिए डिमांड्स के लिए नाइनटीन जीरो नाइन में स्टार्ट होता है आपका सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम सेपरेट इलेक्ट्रेट जो सिस्टम होता है नाइनटीन जीरो नाइन में वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होता है जबकि नाइनटीन नाइनटीन में इसको एक्सटेंड करके सिख क्रिश्चन और एंग्लो इंडियंस को भी बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है नाइनटीन नाइनटीन में तो और क्या होता है बताएंगे आप डायर की स्टेब्लिश होती है आपको कहाँ पे प्रोविंसेस में डायर की स्टेब्लिश होती है ठीक है 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ये जर्नल और न्यूज़पेपर है ऑथर और उनके एडिटर्स के बारे में दिए हुए कौन किससे मैच करते है और नहीं करते है। ये हमें बताते कॉमरेड मोहम्मद अली गौहर जौहर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद केसरी मोहम्मद अली जिन्ना केसरी हमें पता है ये मोहम्मद अली जिनानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टब्लिस मतलब लिखा जाता है उनका यह जर्नल होता है केसरी जो होता है वो किस में होता है वो होता है इंग्लिश में जबकि मराठा जो होता है केसरी मराठी में होता है और मराठा जो होता है वो इंग्लिश में होता है ये आपको ध्यान में रखना है कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है 1911 से 1914 तक इसका एडिशन किया जाता है उनके द्वारा अली लाल विकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर होता है इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा के जो एक्टिविस्ट होते हैं मुस्लिम अबुल कलाम आजाद उनके द्वारा स्टार्ट किया जाते हैं और केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो आज के लिए फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन तक ये हमारा जो सेकेंड है जो फर्स्ट मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो का फर्स्ट फेज है वो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट फेज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच